हमने स्टार्ट लिया था विड्थ टूल, नेक्स्ट इसके आपके वॉप टूल है, इसके अलावा ट्विरल, ब्लॉट, पकर, क्रिस्टलाइज, रिंकल, ये कुछ ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं जो कि आपको इलस्ट्रेटर में अलाउ करती हैं कि आप अपनी जो शेप्स हैं, जो भी आपका आर्टबोर्ड के ऊपर कंटेंट है, उसके अंदर कभी अगर आपको रिक्वायर्ड हो इन शेप्स के ऊपर अगर आप वर्किंग करनी हो, तो एक तो ये है कि जो भी आपके पास शेप होती है उसके ऊपर जो इसमें बिल्ट इन जो प्रोफाइल विड्थ होती है, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हो। और जब कभी आप अप्लाई करते हो तो आप स्ट्रोक का वेट भी बढ़ाते हो, तो उसके स्क्रीन के ऊपर उसके रिजल्ट्स आपको वाजह तौर पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी अगर आप इसको दोबारा से अगर मैं नॉर्मल करना चाहूँ, तो ये आपके पास टॉप ऑफ द लिस्ट यूनिफॉर्म के नाम से मौजूद होती है, जिसमें एक जैसी विड्थ थ्रू आउट द शेप आपको दिखती है, चाहे कोई भी आपकी शेप हो। अदर देन दिस, अगर आपको इन टूल्स को इस्तेमाल करना हो, जो कि फर्स्ट स्टार्ट इज Shift+W, विड्थ टूल। विड्थ टूल मैंने आपको बोला था कि आप जब भी पाथ को हिट करते हो, क्लिक करते हो, प्लस के साथ पाथ के ऊपर जब जाते हो, तो वहां से आप अपनी शेप की उस पॉइंट की विड्थ को कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, ये डिपेंड करते हैं आपकी नीड के ऊपर। कम करनी है कम कर लो, ज्यादा करनी है ज्यादा करो। तो इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट से अपने शेप की विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे ही आप पाथ के ऊपर जाते हो, आप उस पाथ की ब्लू लाइन के ऊपर जाते हो, तो पाथ के इंडिकेटर के साथ आप इस शेप में जो वेरिएशन देनी है आप उसमें दे सकते हो। तो वेरी वेरी सिंपल टूल इज नेम इज विड्थ टूल। तो विड्थ टूल से अगर आपको रिक्वायर्ड हो अपने टेक्स्ट के ऊपर भी विड्थ टूल यूज करना, वो भी कर सकते हो। लाइक ये आपके पास टेक्स्ट है, इसके ऊपर भी अगर आप विड्थ टूल को यूज करना चाहो, शेप के ऊपर तो आप कर ही सकते हो, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी विड्थ टूल को इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो ये विड्थ टूल के लिए आप इसके डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको इसकी स्ट्रोक ब्लैक कलर का दिख रहा है और फिल इसकी वाइट कलर की है। यहाँ पे भी अगर आप विड्थ टूल को यूज करना चाहो, यू कैन डू इट, बट बिफोर दिस यू हैव टू कन्वर्ट इनटू आउटलाइन। ये कर लिया करो, उसके बाद आप विड्थ टूल को अटेम्प्ट करो ऑन दिस टेक्स्ट, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने इस पॉइंट को जो कि आपका पाथ है, स्ट्रोक है, उसके विड्थ को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उसको चेंज करके दिखा सकते हो। तो बाद आपको विड्थ टूल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है अगर आप अपने डिज़ाइन को मजीद उसके स्ट्रोक के ऊपर वेट बढ़ाना चाहो, विड्थ बढ़ाना चाहो, जो कि अदर देन दिस है। एक तो यह कि इनमें से कोई अटैम्प्ट कर लो, और अगर आप अपनी बनाना चाहो तो वो मैंने आपको लास्ट से बोला था कि आप एक सिंपल लाइन ड्रॉ करो, और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर विड्थ टूल का जो भी फॉर्मेशन यूज करना है वो करने के बाद उसको ऐड भी करवा सकते हो इस लिस्ट के अंदर। ये लिस्ट है, यहाँ से आपको ऐड करने के लिए आपको जस्ट यू नीड टू मेक सम शेप, जैसे कि ये आप यहाँ से कर रहे हो, तो ये इसमें आप विड्थ टूल को अटेम्प्ट करो, और विड्थ टूल आपको यहाँ से अलाउ करता है कि आप अपनी शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आपको चेंज रिक्वायर्ड है आप कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में ये रिक्वायर्ड है, इस तरह का एक प्रोफाइल विड्थ आपको रिक्वायर्ड है, तो ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट देन ऐड इन द लिस्ट, ये यहाँ से ऐड करोगे, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप किसी भी शेप के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो, जो भी नेम देना है आप इसका, जो विड्थ प्रोफाइल का नाम आप यहाँ पे टाइप कर दो। करने के बाद जो ऑलरेडी जो आपके 5-7 टॉप पे लिस्ट में मौजूद थे, उसके बाद ये ऐड ऑन किए गए, और इसको आप अपनी किसी भी शेप के ऊपर अगर फ्यूचर में रिक्वायर्ड है तो आप कर सकते हो। कोई भी शेप ले लो, इसके ऊपर ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी इस विड्थ प्रोफाइल में से जो आपने क्रिएट की है उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने के बाद ये जी इसके रिजल्ट्स, अगर ना देख रहे हो वेट जरूर बढ़ाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो बनाया है वो अटेम्प्ट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट विड्थ टूल। कभी अगर आप चाहो तो विड्थ टूल को आप यूज करके अपनी शेप को कंट्रोल कर सकते हो। किस तरह कर सकते हो कि ये आपके पास सिंपल सा एक आर्क है, और आर्क के ऊपर डिफॉल्ट मैं इसको कर लेता हूँ, स्ट्रोक आपको दिख रहा है, फिल इसकी वाइट है। अगर आप इसकी डिफरेंट विड्थ प्रोफाइल्स को इस्तेमाल करना चाहिए कर सकते हो, ये विड्थ प्रोफाइल्स। एक तो ये है, यहां से कर दो विड्थ कंट्रोल,
डिफरेंट डिफरेंट ये प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। विड्थ प्रोफाइल वन है, शेप को इस तरह कर देगी। विड्थ प्रोफाइल टू है, शेप को इस तरह कर देगी, और इसी तरह सो ऑन। ये आप कर सकते हो, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास अगर इसके अलावा कोई स्टाइल चाहिए विड्थ को सेट करने का, तो ये आपको अवेलेबल है इस टूल में। एक तो ये है कि इस तरीके से आप इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी शेप हो। यू के आर ये को इसकी फिलिंग भी है, फिलिंग डन कर देता हूँ, फिल अप ऑफ हो गया। बादों का तो ये आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसी शेप्स वगैरह बनाने में, जहाँ पे आप अपने इस तरह की टचिंग दे सकते हो स्क्रीन के ऊपर, अपने ग्राफिक एलिमेंट आप बनाते वक्त। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ सिंपल लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, शिफ्ट के साथ मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, इसकी वेट कंट्रोल करना हो या विड्थ कंट्रोल करना हो, यहाँ से हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये यूनिफॉर्म विड्थ है, एक जैसी है, जो कि ये ऊपर आपको दिख भी रही है, इसको मैं डिफरेंट जो आपके पाथ की जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट को वेट देना चाह रहा हूँ, तो गो विद दिस वन। ये जी विड्थ टूल, इसका टूल जो है शिफ्ट डब्ल्यू, इसकी शॉर्टकट की है ये। आप जैसे आप क्लिक कर देते हो, आपके पास एक छोटी सी जिगजैग लाइन नजर आएगी। इससे फायदा पता क्या होगा, जिस पॉइंट पे जाओगे, पाथ को टच करोगे, यहां से विड्थ को आप ज्यादा या कम कर लेना। ये देखो, जिस पॉइंट को भी टच करोगे, पाथ को टच करना जरूरी है। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, कम करनी कम कर दो, ज्यादा करनी ज्यादा कर दो। ये लो, इसका मतलब है कि जिस पाथ को टच करोगे, वहीं से इसकी शेप को कम या ज्यादा आप कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। ये देखो, जो भी शेप बनानी है बना लो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, लाइन के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपकी कोई भी शेप हो सकती है। जैसे एक रेक्टेंगल है, अगर मैं आपको कहूँ रेक्टेंगल के ऊपर विड्थ टूल को अटेम्प्ट करना चाहो, तो आप कर सकते हो। ये रेक्टेंगल एक बन गई है, ठीक है, और इसकी स्ट्रोक आपको दिख रहा होगा। जिस पॉइंट पे आप चाहो, वैसे तो एक तरीका तो ये है, यहां से कर लो, विड्थ बढ़ जाती है। ये डिफरेंट बने बनाए, ये असल में बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर लो, एक तो ये हो सकता है। लेकिन आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, तो फिर विड्थ रूल है, वहां से कर लो, एक तो नहीं, यहां से कर लो। ये देखो हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल लग रहे हैं। ये देखो, जैसे आप चेंज करोगे, वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाते हैं, सर्कल होगा सर्कल पे लग जाएंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट होता है यूनिफॉर्म है, बाय डिफॉल्ट विड्थ एक जैसी होती है, थ्रू आउट द स्ट्रोक विड्थ एक जैसी होती है। लेकिन बाद का तो आपको रिक्वायर्ड होती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट विड्थ, तो ये टूल यूज कर लेना, विड्थ टूल। और विड्थ टूल से होता ये है कि जिस जगह पे पाथ को आप टच करोगे क्लिक करके बाहर की तरफ, जिस पॉइंट को टच करोगे पाथ के साथ बाहर की तरफ, जिस पॉइंट पे टच करोगे पॉइंट को बाहर की तरफ, इस तरह आप अपनी विड्थ को सेंटर में करोगे, सेंटर कर देगा। ये देखो, इसका मतलब आप इस टूल को यूज करते हुए आप अपने पाथ के किसी भी पॉइंट से विड्थ कम या ज्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये देखो, कोई अच्छा सा डिजाइन क्रिएट करना हो, ये लो, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से इसकी विड्थ को आप इन एक्शन लेके आ सकते हो। कम करनी है कम कर दो, ज्यादा करनी है ज्यादा कर दो, तो इस तरह ये सारे ऑब्जेक्ट भी इसी तरह चलता है। अगर आप गौर करो तो ये जो आपने अटेम्प्ट किया है, ये लिस्ट में भी नजर आ रहा है ऊपर। ये देखो, नई चीज आ गई है टेम्पलेट में सबसे बॉटम पे, ठीक है। ये आमतौर पर इसके लिए नहीं होती, लाइन के लिए आती है ये। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये लाइन पे अटेम्प्ट किया था। अगर मैं एक लाइन ले लूं और आपको अगर यहाँ पे सेव करना हो इस स्टाइल को फ्यूचर के लिए, किसी और शेप पे अप्लाई करने के लिए, तो ये आप कर लिया करो, आप एक लाइन लगाया करो, और लाइन लगाने के बाद आप इसके ऊपर विड्थ टूल को अटेम्प्ट किया करो अपनी जरूरत के मुताबिक, जैसे आप सेट करना चाह रहे हो इसका स्टाइल, टचिंग करना हो, ये आपको ये वाला स्टाइल पसंद आ गया, या इसके अंदर छोटा सा यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रेच करके ये आपको एक अच्छा स्टाइल बन गया, इसको आप ऐड कर लिया करो, सिलेक्ट करके यहां पे ऐड कर लिया करो, यहां से ऐड कर लिया करो। अब फायदा ये होगा कि ये वाला स्टाइल आपको अवेलेबल हो जाएगा इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दिस टू अनदर शेप, लाइक आई वांट टू अटेम्प्ट दिस ऑन ए सर्कल। सर्कल बनाते हैं, स्टार बना लो, सर्कल बना लो, उसके ऊपर भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देखो,
ये हो गया, वेट बढ़ाओ जरा इसका, देख रहे हो जो आपने लगाया है वो इस स्टार पे भी नजर आ रहा है, और अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे सर्कल के ऊपर भी इफेक्ट्स नजर आएंगे, पॉलीगॉन बनाओगे पॉलीगॉन पे भी नजर आएंगे, यहां तक कि टेक्स्ट लिखोगे उस पे भी आएंगे। एक सर्कल है या एलिप्स है, इसका अभी यूनिफॉर्म है वेट, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सेम सेम है हर पॉइंट पे, सेम विड्थ है, लेकिन जैसे आप इसमें जाते हो लिस्ट में जो आपने अभी डिजाइन बनाया है उसके मुताबिक ये रिजल्ट आ जाएगा, ये देख रहे हो, मतलब फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप विड्थ प्रोफाइल में इन टेम्पलेट्स के अलावा अपने भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बनाने किस पे हैं, लाइन पे, लाइन पे बना के ऐड करवा लो, फिर उसको स्टार पे लगाओ, पॉलीगॉन पे लगाओ, जिस मर्जी आप शेप पे लगाओ। और अगर इसको हम टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहें, टेक्स्ट पे देखें, टेक्स्ट पे होता है, टेक्स्ट लिख लेते हैं, आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो, स्ट्रोक स्ट्रोक लगाना पड़ेगा, स्ट्रोक लगेगा तो ही वो अवेलेबल होती है विड्थ प्रोफाइल, सीधी सी बात है। कलर मैं स्ट्रोक का डिफरेंट कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे, या आप देख रहे होगे स्ट्रोक, स्ट्रोक के ऊपर अगर आप इस प्रोफाइल को अटेम्प्ट करना चाहो ये लिस्ट में से लेके देख लेना, ये देख रहे हो क्या टचिंग आई है, ये रेड जो आपको टचिंग दिख रही है ये मैंने ये वाला प्रोफाइल अटेम्प्ट किया है जो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ बनाया था, ये लो स्ट्रोक पे लगती है, ये याद रखना ये स्ट्रोक पे होता है, आप फिल पे ना लगा देना, तो टेक्स्ट जब लिखा जाएगा तो उसको फिर आप स्ट्रोक के क्रिएट आउटलाइन कर लेना, फिर ये स्ट्रोक के ऊपर बाद का आपको इस तरह का विड्थ प्रोफाइल हेल्प करता है डिजाइन करने के लिए, अपनी हेडिंग्स को स्टाइलिश वे में दिखाने के लिए। अच्छा, विड्थ के बाद जो नेक्स्ट टूल है इसके बराबर में वाप है, वाप टूल आपको अलाउ करता है कि कभी कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप अपनी शेप को वाप टूल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ये मैंने सिंपल से एक सर्कल बनाया, फिर जरा लाइट कलर की कर लेता ताकि वाप क्या एक्शन मैं आप करके दिखा सकूं, ठीक है, स्ट्रोक भी इसका लगा हुआ है रेड कलर का, अगर रहना है रहने दो, ये लो स्ट्रोक मैं और प्रोमिनेंट कर देता हूं, वाप ये करता है स्टूडेंट्स, सेकेंड टूल, शिफ्ट आर इसकी शॉर्टकट की है, ये देखो वाप में याद रखना एक आपको पॉइंटर नजर आएगा माउस का जिसका एक डायमीटर होगा, अगर आप वाप की सेटिंग्स को देखना चाहो डबल क्लिक करके ये सेटिंग्स देख सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट विड्थ हाइट दोनों बराबर है, इसलिए गोल है ये, अगर विड्थ डिफरेंट होगी हाइट डिफरेंट होगी तो गोल नहीं होगा, बल्कि जिस तरह कल याद है अरेजर को हमने किया था विड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट दे के तो उसको फिर एंगल भी आप दे सकते थे, ठीक है, अभी ना तो एंगल का आपको कोई सीन नजर आएगा क्योंकि विड्थ और हाइट सेम सेम है, लेकिन अगर आप विड्थ और हाइट डिफरेंट कर दो, मिसाल के तौर पे इसको मैं वन कर देता हूँ, विड्थ को वन कर देता हूँ और हाइट को मैं 0.5 कर देता हूँ, और यहां से अब एंगल की मूवमेंट आपको नजर आएगी, 45 डिग्री का एंगल कर देते हैं, और इंटेंसिटी जितनी ज्यादा कर दोगे उतना ज्यादा ये वाप की एक्शन जो है उस इंटेंसिटी के साथ उस कंट्रोल के साथ उतनी पावर के साथ वो अप्लाई होगा। इंटेंसिटी मतलब हाई वैल्यू, वैसे ये 50 होती है, 50% कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो, अभी 50% ही रहने देते, मैं बाद में ज्यादा करके दिखाता हूँ। ये है जी शेप, ये 45 डिग्री हो गया, विड्थ आपको मैंने बोला था 1 है, हाइट इसकी 0.5 है, इसलिए इस तरह की शेप है। अब होगा क्या, ये देखो अगर तो आप इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आते हो तो ये सीन इस तरह बनेगा, ये वाप, अब वो सर इतना कम कम क्यों कर रहा है, ये इंटेंसिटी की वजह से, इंटेंसिटी की वजह से, इंटेंसिटी बढ़ा दो, बाद शेप्स आपने देखी होंगी जिस वो शेल का लोगो भी था,
हाँ कि नहीं, यस उसमें ये काम आएगा कि नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना, इससे आसानी है आपकी, वो सन की जो रेज शो हो रही थी उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकोगे। अब पिछली बार शायद मुश्किल हो रहा था आप लोगों को, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको, क्या ख्याल है? स्ट्रोक हाँ, स्टोव ऑफ कर दो। हेलो, स्टोव मैंने बंद कर दिया, हो जाएगा ना? चल, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बनाना। स्टोव मैंने ऑफ कर दिया, वो देखो ऊपर स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया, जस्ट उसे कलर फिल का ही मैंने दिखाया। इसमें अब आप कंटेंट को लोड करना चाहो वो कर दो, इसको किसी के अंदर लोड करना चाहो वो भी कर सकते हो, जिस तरह लास्ट टाइम शायद आपने इसको एक सर्कल के अंदर क्लोज किया था। ये सर्कल आपने बना दिया, ठीक है, सर्कल के अंदर आपने कहीं इसको दिखाना था, शायद वो पीएसओ के लोगों में था, ठीक है, तो पीएसओ के लोगों में आपने इसको किस तरह इनक्लोज किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आपने करना क्या है, क्लिप मास क्लिप किया था ना शायद, क्लिप कैसे होता है, जी शेप ऊपर होनी चाहिए जिसमें क्लिप करना जी है, ऊपर होनी चाहिए ना शेप, ऑर्डर में दोनों को सेलेक्ट करो, कंट्रोल सेवन कर दो, दिख रहा है इस सर्कल के अंदर मैंने लोड कर दिया इसको, सर्कल है ना यहाँ पे, अगर सर्कल की प्रेजेंस नहीं है तो सर्कल को शो करवा लो। हेलो, अब सर्कल दिख रहा है ना, सर्कल का स्ट्रोक मैंने ऑन कर दिया, ये जो कंटेंट है इसके अंदर आपको दिख रहा है स्ट्रेच होते हुए, ये मैंने वाप से करने के बाद उसको क्लिप करवा दिया, जितना शो करवाना चाहूँ करवा दूं, जिसको नहीं शो करवाना है इसको थोड़ा पीछे हटाना है, तो आपको पता है ना लेयर पैनल में जाके सब कुछ हो सकता है क्लिपिंग मास्क के अंदर, ये इसको आप क्लिक कर दो, और क्लिक करके इसको आप अपनी मर्जी से सेट वेट कर लेना, जितना दिखाना है जिस तरह दिखाना है, क्या ख्याल है, कितना इजी काम है, जो आपको इतना मुश्किल लग रहा था वो तो आपके लिए अब इजी हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ इसके बिल्कुल दूसरे हाफ के ऊपर कुछ और कलर के साथ इसी को दिखा दिया जाए, दिखा सकते हो क्या, डुप्लीकेट बना के उसको भी क्लिप करवा दो, क्या ख्याल है, तीसरे भी क्लिप करवा लो, क्लिप आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट कर सकते हो। अभी तो मैंने वो आपकी जो एक वाप टूल के साथ डिजाइन बनाया है उसको क्लिप करवाया है, आप एक और डिजाइन बनाओ उसको भी इसी सर्कल में क्लिप करवा लो, हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ इसके साथ एक पिक्चर भी रख दो किसी बंदे की, रख सकते हो साइड पे, उसको भी क्लिप करवा लो, क्या ख्याल है, करके देखें। कोई पीएनजी ले लें या फुल फ्लैज इमेज चाहिए, ये ले हम, ये लो क्लिप हो गया उसके इनसाइड, क्लिप हो गया ना, पीएनजी नहीं थी, पीएनजी होती तो आपको बैकग्राउंड वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो, वैसे तो इसको भी किया जा सकता है और मजीद, ये आप इसको ऑर्डर में इसको ऊपर नीचे कर दें, ये लो, क्या ख्याल है, ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया उसका, मतलब ट्रिक्स ही है ना, उसको लगाते रहो बनाते जाओ। इमेज को मैंने बिलो रख दिया, जो शेप जिसपे चेंज किया उसको ऊपर रख दिया, और जो शेप में करना था वो लाजमी तो ऑब्वियसली ऊपर ही होती है, क्लिप जिसने किया होता है, एक सर्कल है, सर्कल में दो ऑब्जेक्ट क्लिप हुए हैं, एक शेप को क्लिप किया हुआ है, एक इमेज को क्लिप किया हुआ है, ऑर्डर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर आपका जो है वो डिसाइड करता है कि किसने आगे आना है किसने पीछे जाना है, अगर आप फोटो को पीछे करना चाह रहे हो तो फोटो पीछे इस वक्त है, शेप को आप पीछे करना चाहिए शेप को कर लो, ये लो शेप पीछे चली गई, थोड़ा सा इसको मूव करके दाएं बाएं करना पड़ेगा ताकि उसको जगह मिल जाए दिखने की, ठीक है ना, बेहतर है कि अगर इस तरह का कोई सीन हो तो आप उस शेप को प्रोमिनेंट करना हो तो इसको ऊपर रखो। जो हाँ किया था मैंने, विड्थ राइट, विड्थ मैंने नहीं की थी 2 इंच, 1 इंच विड्थ की थी और हाइट मैंने इसकी 0.5 की थी, वो इसीलिए किया था मैंने, तो वाप अगर आपको रिक्वायर्ड था
तो वाप आपको अलाउ ये करता है कि आप अपनी शेप को उसको जो आप शेप है उसके ऊपर आप अटेम्प्ट कर लो। शेप कोई भी हो सकती है, ठीक है। मैंने ये सर्कल पे अटेम्प्ट किया है, वाप आप किसी और शेप पे अप्लाई करके देख लो, जिस तरह की आपको डिमांड है आपको करंटली उसको आप यूज कर लो। ये लो कोई भी शेप ले लो, जैसे ही मैंने स्टार लगाया, स्टार को अगर आपने वाप करना है आप स्टार को वाप कर दो। ये स्टार बनाया, बाउंड्रीज इसकी आपकी, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे नहीं देखनी स्ट्रोक तो ऑफ कर दो, स्ट्रोक के साथ चलना है स्ट्रोक के साथ चलो, स्ट्रोक निकालना है स्ट्रोक निकाल दो, और वाप टूल को आप एक्टिव करो। और वाप टूल की ऑप्शन में जाके यहाँ से इसकी विड्थ हाइट जो आपने सेट करनी है, ये करने के बाद आप इसको अटेम्प्ट करो यहाँ पे। ये लो, और एंगल देख लो, एंगल आपको स्ट्रेचिंग जो हो रही है उस हिसाब से वो कर रहा है, क्योंकि वो मैंने शेप को जिस एंगल पे करना है वो एंगल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो बाद में आपको कोई इस तरह शेप बनानी पड़ सकती है, जिससे आप फिर अपने कंटेनर में लोड करो, ये जैसे आप पसंद करो। जिस तरह वो मैंने पिछले वाला काम किया, वो सर्कल पे किया था, ये स्टार पे कर रहा हूँ, काम तो वही हो रहा है ना वो शेप के अंदर। अच्छा, ये मैं एक चीज और बताऊं, ये जरूरी नहीं होता कि आप शेप को आउटसाइड की तरफ लेके आओ, इनसाइड की तरफ पुश कर सकते हो। ये देखो, बस ये याद रखना सेंटर पॉइंट इस सर्कल के किधर है। अगर आपने इनसाइड इसको लेके आना, इनसाइड भी ला सकती है। देखो ये देखो, जरूरी नहीं होता कि आपने उसको कुछ जो करना है वो आउटसाइड ही करना है, इनसाइड कर लो। बस ये याद रखना वाप का जो सेंटर पॉइंट है उससे उसने उस डायरेक्शन की तरफ उसको खींचना है, चाहे बाहर की तरफ उसको खींच के ले जाओ बाउंड्री को, या बाउंड्री को इनसाइड की तरफ ले आओ, बाउंड्री को उसने लेके जाना है अपने साथ धकेलना है, चाहे वो आउटसाइड इनसाइड से आउटसाइड ले आओ या आउटसाइड से इनसाइड ले आओ, एक ही बात है। बाउंड्री के ऊपर वो वर्क करता है और आपकी उसको उस हिसाब से डिजाइन को चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब अगर आप एक सिंपल पॉलीगॉन भी बनाते हो और पॉलीगॉन के ऊपर भी अगर आप ये एक्शन करना चाहो आप कर सकते हो। ये देखो, ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के ऊपर अब आपको अपनी नीड के मुताबिक ये कंट्रोल कर लेना। सबसे पहले तो इसकी शेप को आप डिसाइड कर लेना, जो आप कह रहे थे ना साइज 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 बड़ा हो सकता है या शेप चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि शेप यही चाहिए क्या, या गोल करनी है, या चपटी करनी है, फ्लैट करनी है, राउंड करनी है, ये यहां से कर लेना। अगर तो राउंड चाहिए तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, सीधी सी बात है। दोनों वैल्यू अगर सेम होगी तो एंगल का कोई रोल नहीं होगा। एंगल के लिए क्या करना है, एंगल तो तब होगा ना 45, 30, 90, जब विड्थ और हाइट डिफरेंट होती है, वरना कोई फायदा नहीं एंगल का। इंटेंसिटी मैंने आपको ऑन करके दिखा दी और ओके करके बाद ये अब आपके पास शेप आ गई। अब इससे आप इसको इनसाइड की तरफ लेके आ रहे हो शेप को, ये लो करते जाओ, ये लो ये लो, मजे इसको करते जाओ, ये देखो मजे इसको करते जाओ, बाउंड्री को इनसाइड पुश किया जाएगा। और अगर आपने आउटसाइड लेके आना है इसको आउटसाइड भी लेके जा सकते हो, या आपकी मर्जी होती है कि क्या करना चाह रहे हो। अगर आउटसाइड लेके आनी है तो आउटसाइड, ये देखो ये लो, मजीद करते जाओ स्ट्रेच करते जाओ, ये स्ट्रेच करते जाओ, ये देखो ये स्ट्रेच करते जाओ स्ट्रेच करते जाओ स्ट्रेच करते जाओ, तो ये आप इसको चेंज कर सकते हो। इनसाइड करना है आउटसाइड करना है वो आपकी मर्जी है, ये नहीं कि एक दफा कर दिया वह खत्म हो गया, नो, जितनी मर्जी उसको धकेलते जाओ, बस बाउंड्री को पकड़ के आप आगे ही आगे, या पीछे लेके आना है पीछे ले आओ, ठीक है। अगर आप पीछे लाना है पीछे ला, ये चेक करो। बस मैंने आपको फार्मूला बता दिया, इसका है क्या फार्मूला, फार्मूला ये है कि इसने उस बाउंड्री को पकड़ लेना है, और करने के बाद अगर आप उसको इनसाइड की तरफ पीछे की तरफ धकेलना चाहो, पीछे की तरफ और बाहर की तरफ लेके आना चाहो, बाहर की तरफ ले आओ, इनसाइड और आउटसाइड, वाप नाम है इसका, वाप। और शेप का जो सिंबल भी इसी तरह का आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको के लिए काम करना इस तरह का। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से वो आपको यूज करते हुए अपनी शेप को रीड्रॉ कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। इसके एजेस को अगर शार्प करना किसके ये जो आपको शेप दिख रही है जी कर सकते हो ना, विड्थ हाइट फ्लैट करना है, बिल्कुल फ्लैट करना है, तो आप इसको इस तरह कर दो। ये देखो डबल क्लिक करो, एक वैल्यू आपको कम करनी पड़ेगी, अगर तो ऐसा चाहिए तो आपको विड्थ कम करनी पड़ेगी, इस तरह चाहिए तो आपको हाइट कम करनी पड़ेगी, कैसा
कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए? शेप क्वांटिटी रहेगा, अगर शादी को आना है मुझे सब प्लेस हो करता शार्प चाहिए, शार्प। पतली चाहिए बाउंड्री? और पतली आपने वर्टिकल में चाहिए पतली या हॉरिजॉन्टल में पतली चाहिए, आप बताओ। हॉरिजॉन्टल में करनी है, हॉरिजॉन्टल में करनी है तो फिर आपका हाइट, ये हाइट है, ये जो ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है और ये विड्थ है। विड्थ, ये विड्थ कम करोगे तो लंबी हो जाएगी, वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगी, तो हाइट कम करनी है। ये मिनिमम पे ले आया मैं, हाइट इससे कम नहीं होगी, 0.0139। विड्थ इसकी चौड़ाई जो है वो ये ऐसी लंबी सी बनी होगी आपकी, एक जिसके पॉइंटर वो आपका पॉइंटर कुछ हिस्सा का बन जाएगा, ये देखो। और एंगल आपने दिया हुआ, असल में इसका एंगल भी आप स्ट्रेट कर दो, जीरो कर दो, एंगल भी जीरो कर देते हैं, अब यहाँ ऐसे एंगल रखने तो आपकी मर्जी, एंगल अगर आपने जीरो करना है तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। चलो, और इसको आप यहां से ऐसे 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 इस तरह होगा, फिर बिल्कुल पतली पतली सी स्ट्रेचिंग यहां से आपको नजर आ रही है, ये देखो, तो किसकी ये वेट, ये देखो ऐसे है। इसका साइज हाँ फिर करो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया ना, अब इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ये देखो ये सीन, ये ऊपर की तरफ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये देखो, और अगर आपको इसको डिफॉल्ट पे लेके जाना हो, डिफॉल्ट के लिए रीसेट होता है, ये रीसेट होता है, रीसेट जो बाय डिफॉल्ट होती है 1.389, 1.389 और 50% इंटेंसिटी होती है, ये डिफॉल्ट होती है, इसको फिर अपनी जरूरत के मुताबिक आप करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो विड्थ और हाइट आप इसको देख के फिर इसको आप अपने लोगों के लिए जाइएगा। अच्छा, वाप की ऑप्शन जो है, बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर वाप की ऑप्शन क्या टेक्स्ट के ऊपर चलेगी, वैसे होनी चाहिए वाप की ऑप्शन टेक्स्ट पे, टी फॉर टेक्स्ट, ये मैंने टी कर दिया, टी एक लेटर लिख दिया, इसके ऊपर भी वाप कर लेना, ये लो राइट क्लिक करके आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना और वाप को एक्टिव कर लेना। वाप को एक्टिव करने के बाद यहाँ पे ये देखो साइज इसका बहुत बड़ा है, या तो टेक्स्ट का साइज, डी का टेक्स्ट साइज बड़ा करो या इसका साइज छोटा करो, ये बहुत बड़ा साइज है, अगर मैं इसको करता हूं तो ये देखो, देख रहे हो शेप को, वाप वाप यही करना, वाप मैंने यही तो बोला था, वाप क्या करेगा कि आपकी बाउंड्री को इनसाइड या आउटसाइड, अगर आउटसाइड की तरफ इनसाइड जाओगे ये देखो समेटेगा इसको। मैंने टूल की अवेयरनेस देनी है, टूल की अवेयरनेस मैं दे रहा हूं आपको कि टूल ये होता है, टूल के बराबर में आपको मैंने बोला था एक वॉप की ऑप्शन होती है, कभी भी आपको अगर कोई इस तरह का रिक्वायर्ड हो कि शेप में ये शेप है और शेप में अगर आपको वॉप की ऑप्शन को अटेम्प्ट करना हो तो वॉप ऑप्शन यहां से ले सकते हो, लिस्ट में से आपको मिल जाती है, डिफॉल्ट इसके कलर सेट कर लो, फिल ऑलवेज व्हाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक, और अगर इसमें आप चेंज करना चाहो यू कैन डू इट, ये आप कर लीजिएगा, और वाप की ऑप्शन में आप डबल क्लिक करके इसकी ऑप्शंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप वाप का जो आपका पॉइंटर है जो कि आप एक राउंड सा डायमीटर में सर्कल नजर आ रहा है उसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यूज अगर आपको करनी हो तो रीसेट कर दिया करो, डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑलवेज 1.38, 1.38 और 0 एंगल और 50 इसका जो है वो इंटेंसिटी होती है, इसको आप कम ज्यादा कर लेना, और करने से फायदा क्या होता है, अगर आप लो के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, हाई के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, एंगल आपको तभी नजर आता है जब वेट, विड्थ और हाइट डिफरेंट हो, अदरवाइज ये आप कोई भी एंगल दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जब कभी विड्थ और हाइट डिफरेंट होगी फिर इसका आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं 2 कर दूं तो 2 करने के बाद आप यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने डबल कर दिया, यहाँ पे आप जाके जो भी एंगल दोगे उस तरह का शेप आपको ओके करने पे नजर आएगी, ये इसका एंगल फिर मैंने आपको बता दिया, एंगल आपने इसका 135 पे करोगे तो कुछ इस तरह नजर आएगा, दूसरी साइड पे चले जाएगा 120 कर लो, ये आपका जो क्वाड्रेंट जो है आपका सेकंड में आ जाएगा, जाऊं ये शेप इस तरह की होगी, ठीक है, और बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना कि आपका जो सेंटर पॉइंट है
उसको आपने फोकस करना है। और अगर आपने इसको बाहर की तरफ बाउंड्री को लेके आना है, वो आपकी ऑप्शन के थ्रू, तो आप इनसाइड इसको ले जाओ और बाहर की तरफ इसको आप ले आओ। बार बार आपको शेप्स की जरूरत पड़ सकती है, बड़ी इंटरेस्टिंग शेप्स बन सकती हैं वो आपको अटेम्प्ट करके, ये शेप्स आपको अलाउ करता है, ठीक है। इसका मतलब, और ये मैंने आउटसाइड किया है, इसको इनसाइड करना है, इनसाइड भी कर सकते हो, सेम शेप बट दिस टाइम इनसाइड वॉप, इनसाइड वॉप है। जिस तरह की आपको शेप्स रिक्वायर्ड हैं आप शेप बना सकते हो, बस इसमें सेंटर पॉइंट से आपने देखना है। और इसको अगर आउटसाइड पुश करोगे, बॉर्डर आउटसाइड आपका चला जाएगा, इनसाइड लेके आओगे तो आपकी शेप के इनसाइड उसको कट कर देगा। तो ये एक सिंपल सी ऑप्शन है वॉप, और इससे आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट अपना ड्रॉ कर सकते हो। जो भी आपके पास शेप्स अवेलेबल हैं उसको आप यूज़ करते हुए इसको वॉप की ऑप्शन के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हो। कभी जरूरत पड़ जाए तो इसको आप जरूर इस्तेमाल करके अपने यूज में लेके आइएगा। वाह, आउटसाइड करना है आउटसाइड भी लेके जा सकते हो, इनसाइड करना है इनसाइड भी लेके आ सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आप इसके जो है एंगल के ऊपर इसकी वॉक की ऑप्शन को अटेम्प्ट करके आप दिखा सकते हो। वॉप के ऑप्शन के बाद स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन होती है ट्विरल। ट्विरल हमारी आज की नई ऑप्शन, जो आपको एक जो इसका स्ट्रोक होता है उसके ऊपर काइंड ऑफ आपको रोटेट एक काइंड ऑफ कंटेंट में चेंजेस लेके आता है, स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई होता है। और कभी आप ट्विरल करना चाहो अपने ऑब्जेक्ट को तो ये ऑप्शन आपको फैसिलिटेट करती है। तो ट्विरल जिस तरह ये आपके पास एक सिंपल सी लाइन सेगमेंट अगर है या आर्क है, तो अगर आप ये ड्रॉ करते हो, अगर आपको इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए ट्विरल के साथ, ये आप लेके आ सकते हो। ये लो, ये ट्विरल है। अगेन यू नीड टू डबल क्लिक, और अगर आपको एक जैसा चाहिए तो आप इसको टू टू कर दो, विड्थ राइट एक जैसी रिक्वायर्ड है तो आप एक राउंड सा आपको ट्विरल शेप दिखाई देगी। बाकी एंगल का अब कोई रोल नहीं रह गया, जब आपका विड्थ और हाइट सेम होगी तो एंगल आपको किसी किस्म का स्क्रीन के ऊपर इसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आएगा। बाकी इंटेंसिटी इसको कम ज्यादा कर लो, ये अपनी नीड के ऊपर है, लेकिन होता यह है कि ये आपके पाथ के ऊपर अटेम्प्ट होगा और ये ट्विरल कर देगा। कभी आपको शेप में जितना ज्यादा आपको करना हो उतना ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा, उस लेवल पे ये ट्रेल करता जाएगा। तो कभी इस तरह की शेप्स चाहिए और आपको बनानी पड़ जाए तो आप इसको ट्रेल के साथ ड्रॉ कर सकते हो। बाकी अगर आप इसकी डुप्लीकेट करना चाहो तो वो अलग से आपको पता है कंट्रोल डी ऑल्ट के साथ ये आप यूज करते हो, ठीक है। तो ट्रेल आप किसी भी अपने टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हो, आप अपनी शेप के ऊपर कर सकते हो। इसमें सिंपल ये पाथ के ऊपर अटेम्प्ट होगा अगर आप ट्विरल करना चाहो तो। जैसे ये अगर आपके पास एक स्टार भी है, ये स्टार मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैं स्टार को अगर इसके ऊपर भी ट्विरल इफेक्ट्स लगाना चाहूँ तो ट्विरल इफेक्ट्स यहाँ पे ये करेगा आपका। बस इसका वो शेप का डायमीटर आप सेट कर देना जाके, ये ट्विरल करता है। अब कितना ज्यादा, अगर आप कहोगे सर ये बहुत ज्यादा एकदम से कर देता है, तो इसकी इंटेंसिटी कम कर दो। ये जितनी भी ऑप्शन मैंने आपको बताई इसकी डिफॉल्ट जो होती है वो जो 50% होती है हर किसी की, और विड्थ हाइट भी हर किसी ऑप्शन का 1.38 ही होता है। लेकिन अगर आप कम ज्यादा करना चाहो यहाँ से मजीद कर सकते हो। करने से होगा क्या कि जब आप इसके ऊपर अब ट्रेल को क्रिएट करोगे तो ये आपको बहुत स्लोली स्लोली ये आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। ये बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेल की ऑप्शन को किस तरह अटेम्प्ट करके क्या बनाना चाह रहे हो। और ट्विरल जो ऑप्शन है ये आपके शेप्स के ऊपर तो होगी होगी, इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहो ट्विरल आप कर सकते हो। कोई भी आपके पास टेक्स्ट है, कोई भी हेडिंग है, तो आप अपने टेक्स्ट को भी ट्विरल कर सकते हो। स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेना इसको।
छोटी छोटी ऑप्शन है, इसको अभी हम देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये जी ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल में ये आपके पास ऑप्शन, और ये इसका पॉइंटर बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं, या टेक्स्ट को बड़ा कर लो जिससे मुनासिब समझो। ये ट्यूटोरियल कर रहे हैं, काउंट ऑफ रोटेशन देता है। कभी अगर आपको डिजाइन में रिक्वायर्ड हो इस तरह का एक्शन, तो ये ट्यूटोरियल से आप कर लीजिएगा। इस तरह शेप अप करना हो, जो डायमीटर में आ गया इस पे ट्यूटोरियल लग जाता है। डायमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सर्कल है इसके अंदर जो भी आ गया उसके ऊपर ट्यूटोरियल इसने कर देना है। ट्यूटोरियल के अलावा दो ऑप्शन है, पकर एंड ब्लॉट। पकर एंड ब्लॉट ये भी हमें यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, जब कभी आपके पास कोई शेप है लाइक दिस। इसमें भी अगेन इसकी ऑप्शंस होती हैं, कोई भी शेप बना लो। पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, या स्क्वायर बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एक साथ में इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं, इसके साथ ही मैं एक सर्कल भी बना लेता हूँ, इसके साथ मैं एक पॉलीगॉन भी बना लेता हूँ, इसके साथ ही मैं एक आपको स्टार भी बना लेता हूँ। इससे मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि पकर एंड ब्लॉट करते हैं, एक तरफ पकर का अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक तरफ ब्लॉट का कर लेते हैं। नहीं जी, इनकी शेप्स को रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। दोनों देख लीजिएगा, पकड़ भी देख लो और ब्लॉट भी देख लो, दोनों में बिल्कुल एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस में आपको यहाँ बताने लगा, एक तरफ मैं आपको पकड़ का अटेम्प्ट कर देता हूँ, एक तरफ ब्लॉट का कर देते हैं। दिस इज पकड़, ये पकड़ है, और इस तरफ हम ब्लॉट का कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस है, शेप में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। जब हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपको यहां पे भी इस ऑप्शन के अंदर ये दिखेगा। ये करता क्या है, ये आपकी बाउंड्रीज को इनसाइड की तरफ, सिर्फ बाउंड्रीज को इनसाइड की तरफ लेके आएगा। जहां पे आपका सेंटर पॉइंट है उससे इनवर्ड आपने मूवमेंट करनी है, या बाउंड्री की आउटवर्ड मूवमेंट करनी है। एक तो ये पकड़ ऑप्शन यहां पे मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये देखिएगा, जहां पे आपका सेंटर पॉइंट है ना, इससे बाहर की तरफ आपकी, पहले सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट करना मस्ट है, सेलेक्ट कर लेना, और उसके ऊपर ये ऑप्शन है पकड़ की, ये देखिएगा, चाहे आप इनसाइड ले आओ चाहे आउटसाइड ले आओ, ये आपको बिल्कुल शार्प एज के साथ ये अलाउ कर रहा है। अगर आप कोई शेप इस तरह की बनाना चाहो तो बना सकते हो। अंडू कर देता हूँ, दोबारा से देखिएगा, एक पकड़ है, एक ब्लॉट है। आपने शेप को कभी अटेम्प्ट करना हो, कोई इस तरह की शेप को रिक्वायर्ड हो, तो आप ये कर सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है कि आप बाउंड्री को इनसाइड या आउटसाइड कहाँ पे ले और कितना करना चाह रहे हो। इसको आप जितना मर्जी इनसाइड या आउटसाइड आप कर सकते हो। ये बाउंड्रीज को इस तरह का कंटेंट अगर आपको चाहिए, जैसे ये है, शेप कोई भी हो, काम एक ही है इसका कि आपकी बाउंड्रीज को पकड़ता है, जिसे पाथ बोलते हैं, और इसे इनसाइड ले आओ चाहे इसको आउटसाइड ले आओ। बाद में आपको शेप में इस तरह की वेरिएशन चाहिए होती है, कभी जरूरत पड़ जाए तो इस तरह के चेंज आप इसके अंदर शेप के बाउंड्री के ऊपर अटेम्प्ट करके ये कर सकते हो। सबसे पहले आपको शेप सेलेक्ट करनी है, नंबर टू इस टूल में जाना है, और ये आपका जो सेंटर पॉइंट है, जो आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, इसको आपने देखना है। अगर तो आपने इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाना है तो आप इसको इनसाइड रखो, और अगर आपने आउटसाइड से इनवर्ड डायरेक्शन में आना है तो इसको बाहर की तरफ रखो, और बाउंड्री को फिर उसके साथ साथ आप मूव कर लो।
कभी अगर आपको रिक्वायर्ड हो इस तरह की शेप तो ये आप कर सकते हो। जहां तक इसकी ऑपोजिट दूसरी ऑप्शन है ब्लॉट, वो डिफरेंट है। डिफरेंट किस एंगल में है कि ये आपकी जो सेंटर पॉइंट है, ये जो आपको प्लस साइन नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपकी जो इस डायमीटर के इनसाइड बॉर्डर आ गया, आउटलाइन आ गई, इसको अपनी तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको लेके जाएगा। ये देखो एक तरह से एक पुल कर रहा है, एक पुश कर रहा है, ये पुश और पुल। और अगर मैं इस प्लस साइन को अंदर की तरफ रखूंगा तो ये बाउंड्री बाहर की तरफ जाएगी। इसका मतलब है तो ये प्लस जो आपका सेंटर पॉइंट है इससे डिस्टेंस करेगा बॉर्डर को। ये देख रहे हो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कर रहा है बॉर्डर को। तो जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये आपके पास ऑप्शन है, और इसमें करता क्या है कि सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस करेगा बॉर्डर को और टूवर्ड्स इसकी बाउंड्री ले जाएगा। तो कभी आप इस तरह की शेप्स अगर बनाना चाहो तो बनाने के लिए ये आपको अलाउ करता है। इसका मतलब है जिसकी बाउंड्री है वो इसका टच पॉइंट है, और जहाँ पे क्लिक करोगे इस बाउंड्री को, उस जो स्ट्रोक इस शेप का है उस बाउंड्री की तरफ ले जाएगा जो सर्कल में है। ये एक सिंपल सा एक टूल है, पकर और ब्लॉट। ब्लॉट और पकर में बिल्कुल माइनर से डिफरेंस है। और ब्लॉट और पकर को आप स्टूडेंट देखो तो ये एक और ऑप्शन है, उसके थ्रू भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और वो है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप इस टूल को यूज़ करते हो, आप शेप के ऊपर अप्लाई करना चाहो, इफेक्ट्स में भी आप यहाँ देखिएगा डिस्टॉर्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर भी एक ऑप्शन होती है पकर एंड ब्लॉट की। ये डिफरेंट है, वो तो टूल है ना, ये इफेक्ट है। दोनों में फर्क है, एक टूल है एक इफेक्ट है। और आज मैं आपको पहला इफेक्ट ऑन करने लगा पकर एंड ब्लॉट का। इसका गो के उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है टूल के साथ, लेकिन एक इफेक्ट का रोल है। और वो है क्या, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा अपीयरेंस पैनल के थ्रू आपने अप्रोच करना है इस ऑप्शन में, अपीयरेंस पैनल के थ्रू, नॉट गो विद इफेक्ट मेन्यू। इफेक्ट मेन्यू के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जाना चाहो, देखना चाहो तो ये दिखा देता हूं। ये लें, इसका एक साइड ब्लॉट की है, एक साइड पकर की है। सब पे अटेम्प्ट करके दिखा दूं, चले एक एक पे करके देख लो। ये देखो पकर, देखो आपके एजेस को, कॉर्नर्स को शार्प कर रहा है। और ब्लॉट की तरफ अगर इसको मैं मूव करूंगा तो ये देखिए आपके शेप के कॉर्नर्स को राउंड कर रहा है। ये देख रहे हो, ये राउंड शेप में कन्वर्ट कर रहा है। बाद अवकात आपको रिक्वायर्ड होता है कुछ इस तरह का एक्शन, क्योंकि इसके चार कॉर्नर्स हैं इसलिए चार बैलून्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, या शार्प, चार शार्प एजेस आपको नजर आ रहे हैं। चार शार्प एजेस होंगे या चार राउंड एजेस होंगे कॉर्नर। या इसको अगर सेंटर में रखोगे नॉर्मल बिहेव करेगा, जब एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाओगे पकड़ साइड पे ये शार्प कर देगा कॉर्नर्स को, और अगर आप इसके राइट साइड पे जाओगे तो ये ब्लॉट। और ये चूंकि इसके सिर्फ और सिर्फ चार कॉर्नर थे इसलिए ये शेप नजर आ रही है। अब ये एक आपकी ऐसी शेप है जिसमें कॉर्नर चार से ज्यादा है। इस पे देखिएगा, इस पे ये इफेक्ट जो है, जो कि डिस्टॉर्ट है एंड ट्रांसफॉर्म में, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपको इस तरह ब्लॉट की तरफ जाओ, ये ब्लॉट कर रहा है। बादों का आपने देखी होंगी शेप्स आपकी डिजाइन के अंदर इस तरह की मौजूद होती हैं। अगर आप ये बनाना चाहो, फ्लावर बनाना चाहो, या शेप के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो, यू कैन डू इट। इसको आप एक्सट्रीम के ऊपर ले जाओगे तो शेप कुछ इस तरह की आपको नजर आएगी। जितने इसमें आपके कॉर्नर्स हैं उतने यहाँ पे आपको बैलून्स या राउंड शेप नजर आएंगे। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट अगर जाओगे तो शार्प में चेंज होता हुआ नजर आएगा। जैसे जीरो से आप लेफ्ट पे जाते हो तो ये शेप बनते हुए आपको नजर आएगी। और एक्सट्रीम अगर करोगे देखो शेप इस तरह की आएगी। जितने आपके इसमें साइड्स हैं उतने, या जितने आप समझ लो कॉर्नर्स हैं उतने आपको ये शार्प एजेस नजर आएंगे, या ब्लॉट के ऊपर ये राउंड आपको शेप में नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी शेप हो जिसमें ज्यादा होंगे, जैसा आपको याद होगा पॉलीगॉन हो या स्टार हो, इसमें मैं लेग्स को बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। तो पॉलीगॉन जब आप बनाते हो ना और आप पैरों प्रेस करते हो, आपको पता साइड्स बढ़ रही हैं। अब ये साइड्स तकरीबन 8-10 मैंने कर दी हैं। अगर इसके ऊपर आप अटेम्प्ट करोगे, इफेक्ट का नाम है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में पकर एंड ब्लॉट। ये देखिएगा,
और अगर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जाओगे, सेंटर पॉइंट भी नॉर्मल हो जाता है, जीरो पे नॉर्मल होगा, लेफ्ट पे जाओगे ये इफेक्ट है पकर के, पकर में आपको शार्प इसके एजेस नजर आएंगे, ये मजीद करोगे मजीद करोगे ये सेंटर पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह का आपको सिंबल नजर आएगा। और ये चीज आपको स्टार पे भी होगी, ये तो मैंने पॉलीगॉन पे किया ना, स्टार पे भी इसी तरह है। ये स्टार है आपका, ठीक है, इस पे आप अच्छा ये इफेक्ट्स में आपको फिर आपको ये कहूँगा, आपने ये इफेक्ट जो लगाने हैं स्टूडेंट वो आपने अपीयरेंस पैनल में लगाने हैं, यहाँ से ना जाइएगा। रीज़न क्या है, आपको आज नहीं तो कल मैं आपको मजीद क्लियर होगी। आप विंडो मेन्यू में जाओ और विंडो मेन्यू में जाके अपीयरेंस पैनल को ऑन कर लो। अपीयरेंस पैनल में अगर आप स्टूडेंट गौर करो तो यहाँ पे ये इफेक्ट्स हैं, ये जो मैंने आपको स्ट्रोक बताया था, फिल बताया था, ये इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट में ये डिस्टॉर्टेड ट्रांसफॉर्म, हमेशा आपने इधर से जाना है, मेन्यू के थ्रू ना जाइएगा। क्यों ना जाइएगा अभी बताता हूँ आपको। पकर एंड प्लॉट आपने लगाया स्टार के ऊपर, ये लो सिलेक्ट कर लेना, जरूरी है तो सिलेक्ट पहले कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है एफएक्स में, एफएक्स में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में पकर एंड प्लॉट। कभी आपको इस तरह के डिजाइन रिक्वायर्ड हो, ये देखो ये स्टार के ऊपर अटैम्प्ट हो रहा है, ये स्टार का एक्सट्रीम ब्लॉट हो आप 200% पे, और ये नॉर्मल आपका होने जा रहा है स्टार। और अगर इसको आप लेफ्ट साइड करते हो तो ये आपके स्टार की रिप्रेजेंटेशन इन पकर एंड ब्लॉट के इफेक्ट्स में ये नजर आ रही है। अच्छा, आज आपने ये इफेक्ट लगा दिए, कल आके अगर आपको खत्म करना भी रिक्वायर्ड हो, आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, यहाँ पे आपको पाथ या ये शेप है या जो स्टार है ये आपको नजर आ रहा है इफेक्ट, ठीक है। ये इफेक्ट आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देना, इफेक्ट खत्म होगा, इफेक्ट खत्म होगा, चाहे साल बाद कर लो खत्म। दोबारा से देखिएगा, अंडू कर देता हूँ। अगर आपने इफेक्ट्स को रिमूव करना हो अपीयरेंस पैनल में जाके लगाइएगा भाई यहीं पे, खत्म भी यहीं पे कीजिएगा, चेंज अगर करना हो वो भी यहीं से कीजिएगा, इस क्लिक करने पे मॉडिफाई हो जाता है, लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्लिक टू एडिट इफेक्ट। आपने सपोज पकड़ नहीं लगाना था, आपने ब्लॉट लगाना था, यहां पर क्लिक करो, या आपने अटेम्प्ट कर दिया। अब एक और इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, दोबारा से देखिएगा, इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड पे करता हूँ। अभी आपका एक प्लेन पेज के ऊपर मैं इस डिज़ाइन को विद डिफरेंट सिंबल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक सिंपल सी शेप है, ये मैंने बना दी, ठीक है। अगर आप इसका कलर वलर करना है कर लो, ये नहीं जी, ये शेप है, ठीक है। इसकी मैं कुछ कॉपीज निकाल लेता हूँ, सेम शेप की निकाल लो, डिफरेंट है डिफरेंट की कर लो। अच्छा, ये जब शेप की कॉपी कर रहा हूँ ना, इसको करने का एक आसान सी ट्रिक भी है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको जल्द से जल्द इस ऑप्शन के ऊपर लेके आऊंगा। और वो ऑप्शन है आपके पास रिपीट भी है, फिर मैं आपको ना इसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगी, वो इफेक्ट में ये ट्रांसफॉर्म की है। इस ऑप्शन के थ्रू भी आप सेकंड्स में अपनी शेप की स्केलिंग, मूवमेंट, रोटेशन, नंबर ऑफ कॉपीज के साथ बना सकते हो। ये नंबर ऑफ कॉपीज है, ये नीचे बड़ी मजे की ऑप्शन है, थोड़ा सा वेट कर लो। अभी मैं आपको सिंपल वे में, जो अभी आपको एक डिफिकल्ट वे बताया, ये वो काम है जो हमने कई दिनों से कर रहे थे, ये कर रहे हैं ना, सिलेक्ट करते हैं ऑर्ड के साथ कॉपी निकालते हैं, और कॉपी निकाल के हम कंट्रोल डी करके इसकी रेपिटेशन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अगर मैं इनके ऊपर इफेक्ट्स लगाना चाहूँ, सबको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद ये आपके पास सिलेक्टेड पाथ ये वाला है, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट करने के बाद एफएक्स करना है, एफएक्स में आपने जाके यहाँ पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में पकर एंड प्लॉट पे क्लिक कर देना, ये देखिएगा। अब चाहे वो बॉर्डर पे रखे हो, पूरी स्क्रीन के ऊपर रिपीट किए हो, ये पकर का एक्सट्रीम है, सॉरी ब्लॉट का एक्सट्रीम है, और ये पकर की तरफ जा रहा हूं,
बाद अगर आपको ऐसी शेप से पूरे स्क्रीन के ऊपर पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवानी पड़ सकती है, तो ये आपके सारे के सारे आप जो टूल्स हैं, अभी तो ये सेम है ना, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और मजे की बात है ये पकर एंड ब्लॉट आप अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज मैं दोबारा आपको बता दूं, जब ये आप अटेम्प्ट कर लेते हो, सेव करके चले जाते हो, अगले रोज आते हो, आप इसमें चेंज करना चाह रहे हो, तो इसको चेंज करने के एक तरीका जो आपको मैं कभी नहीं कहूंगा करने को, वो ये कि सिलेक्ट करने के बाद आपने इफेक्ट्स मेन्यू में जाके इस ऑप्शन को दोबारा हिट ना कर देना। अगर आपने दोबारा क्लिक कर दिया, स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा वार्न कर रहा है आपको, दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंट ऑफ दिस इफेक्ट। और आगे एक और चीज बता रहा है, टू एडिट द करंट इफेक्ट डबल क्लिक द नेम ऑफ द इफेक्ट इन द अपीयरेंस पैनल। ओके, आपको कह रहे ना, अब फिर उसने कहा अपीयरेंस पैनल के थ्रू एडिटिंग कर लो, अगर आपने इसके ऊपर दोबारा से एक दफा क्लिक किया, ये इफेक्ट डबल हो जाएंगे, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपके रिसोर्सिस रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और हो सकता है इलस्ट्रेटर आपको शट डाउन हो जाए, इलस्ट्रेटर शट डाउन हो जाए, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप इफेक्ट्स के ऊपर डबल इफेक्ट्स लगाने जा रहे हो एक तरह से, एक चीज ऑन की भी है उसके ऊपर मजीद कुछ उसी को मजीद एड ऑन करना चाह रहे हो, ये ना कीजिएगा। इसमें होगा क्या, एक नया इफेक्ट लगेगा, ये देखो जो है वो तो था, मजीद उसके ऊपर क्या चीज बन गई। और अभी तो ये इसकी मेहरबानी ये कर रहा है, अदरवाइज मैसेज आ चुका होता और आपका सिस्टम के अंदर से इलस्ट्रेटर से आपको आउट कर देता। अभी तो चल गया, इफेक्ट है, इफेक्ट पे और इफेक्ट लगा दिया, ठीक है, डबल इफेक्ट्स हो गए। तो आप अगर कभी इसमें एडिटिंग करना चाहो तो अपीयरेंस पैनल के थ्रू चले जाना, अगर इफेक्ट के ऊपर प्लस मजीद इफेक्ट लगाना है, रेपिटेशन ऑफ न्यू इफेक्ट, तो फिर आपने यहां से जाना है। लेकिन यहां से जाने से आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको मैसेजेस आएंगे और बाद में आपका जो इलस्ट्रेटर से आपको आउट कर देगा। तो इसको राइट वे इज दैट अपीयरेंस पैनल आ गया। और ये देखो, देख रहे हो, एक पाथ के ऊपर जो आपकी सिलेक्शन थी, दो दफा इफेक्ट लगाए आपने, फर्स्ट और ये सेकेंड। खत्म करूं? अच्छा, मजे की बात है, आप इनको एक एक करके भी खत्म कर सकते हो। खत्म करने के लिए स्टूडेंट याद रखना, इसके ऊपर क्लिक करना, इधर साइड पे इधर ना क्लिक कर देना, इधर क्लिक करोगे एडिट में चला जाएगा, इधर क्लिक करो और ये इफेक्ट खत्म। एक खत्म हुए हैं, जो आपके दूसरे रह गए ये लो। और लगाने का तरीका, इसका मतलब अपीयरेंस पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इफेक्ट्स के साथ एक्शन में आना चाह रहे हो। इफेक्ट में आज मैंने, इंशाल्लाह हम परसों कर रहे होंगे 3D इफेक्ट्स वगैरह, आज मैंने इसके अंदर एक ऑप्शन आपके साथ शेयर की है, पकर एंड ब्लॉट, और टूल के साथ कनेक्टेड थी, तो बाद का स्टूडेंट को थोड़ा सा जो है वो डिफ्रेंशिएट करना, वो एक टूल है, टूल के थ्रू आप अपनी मर्जी से उसको आप स्ट्रोक के ऊपर, फिल के ऊपर वर्क कर सकते हो, ब्लॉट एंड पकड़ के साथ। ये इफेक्ट है, वो टूल है, ठीक है, दोनों में से जिसकी जब जरूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, अब आ जाओ जी रिमेनिंग ऑप्शंस पे। अपीयरेंस पैनल भी खत्म नहीं हुआ, इसमें मजीद आपको दोबारा से, आज नहीं तो कल दोबारा बताऊंगा, दोबारा से देखिएगा। आपने पकर एंड ब्लॉट टूल जो कि इस लिस्ट में मौजूद है, यहां से आप इसमें जो चेंजेस करनी है अब कर लेना। अब मैं आपको तीन टूल्स इकट्ठे आपको बताने लगा हूं, एक है स्कर्ल, एक क्रिस्टलाइज, एक रिंकल। नाम से जाहिर है इसका काम, आप स्कर्ल को यूज करते हुए डिजाइन में इस तरह की वेरिएशन लेके आ सकते हो, यह जी स्कर्ल। अच्छा, एक और आपको बता दूं कि ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पकर एंड ब्लॉट करवाया, इसको आप टेक्स्ट के ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लाइक आप पकर एंड ब्लॉट का इस यहाँ पे इस्तेमाल देखिएगा, एक हेडिंग है इसके ऊपर पकर एंड ब्लॉट से, अगर बाज का तो आपको रिक्वायर्ड हो तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिएगा, सबसे पहले तो इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दो, और पकर एंड ब्लॉट आप अगर इस ऑप्शन के थ्रू जाना चाहो वो भी ठीक है, ये जी पकर शार्प कर रहा है, क्या कर रहा है आपके, अगर मैं इधर होता हूं ना
ये दोनों एंकर दिख रहे हैं सेंटर में, इसको अपनी तरफ वो ले आएगा, अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ये देखो, ये देखो, ऊपर वाले को मैंने क्लिक कर रहा हूं, ये देखो ये अट्रैक्ट करता है एंकर को, जितने भी इस डायमीटर में आ जाएंगे दोनों को, अगर दोनों हैं दोनों आ जाएंगे। बाद में आपको इस तरह की शेप्स रिक्वायर्ड होती हैं, ये शेप्स के ऊपर कर लो या टेक्स्ट के ऊपर कर लो। जबकि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है वो है आपका ब्लॉट। ये क्या करता है, जो डायमीटर में आ रहा है इसको अपने से डिस्टेंस कर देगा सर्कल के मुताबिक। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बाद में आपको जरूरत पड़ती है जरूर इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर मैं आपको कहूं कि ये जो आपको मैंने सारा काम करके दिखाया, ये इफेक्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, अगर आप इसको देखना चाहो फिर मैं फौरन से पहले स्कल्प की तरफ आ जाता हूं। ये टेक्स्ट था, टेक्स्ट को आपने आउटलाइन में कन्वर्ट किया, और इफेक्ट्स आप अपीयरेंस पैनल में चले जाओ और अपीयरेंस पैनल में जाके इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, देखिएगा क्या कर रहा है आपके लिए अदर देन। और ये मैं ऑप्शन ख़त्म करवा के डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में रिमेनिंग ऑप्शन अभी आपको सारी ख़त्म करवा देता हूँ। पकड़ एंड ब्लॉट मैंने पहली ऑप्शन ऑन की है, ये देखिए बिल्कुल माइनर से चेंजेस करता हूँ, ये जी पकड़, सॉरी ब्लॉट की तरफ जा रहा हूँ, ये ब्लॉट अटेम्प्ट है और ये पकड़ की तरफ जा रहा हूँ। बाद में आपने ऐसा टेक्स्ट देखा होगा जिसमें कुछ इस तरह का टचिंग आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो बहुत सारे आपके कोई लोगोज भी हो सकते हैं, कोई हेडिंग्स हो सकती हैं, उसमें पकड़ या ब्लॉट के थ्रू आप अपने टेक्स्ट को इस तरह का काइंड ऑफ इफेक्ट जनरेट करके दिखा सकते हो। और कभी इसमें कोई चेंजेस करनी हो इसको सिलेक्ट करो, करने के बाद इसके अपीयरेंस पैनल में जाओ और यहाँ से एडिट कर लेना, ये देखो बिल्कुल प्लेन हो गया। और ये मैं इस वक्त ब्लॉट की तरफ मूव कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ना कीजिएगा वरना समझ नहीं आएगी है क्या, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ठीक है, बिल्कुल माइनर सी वैल्यू के साथ इसको आप प्ले करके देख लेना, बड़े अच्छे से इफेक्ट लगते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये याद रखना फॉन्ट पहले से जो डिसाइड करना है वो कर लो, फॉन्ट बाद में चेंज नहीं होगा, इफेक्ट लगते ही फॉन्ट्स आपके इसके ऊपर नहीं लगेंगे, वो ये शेप में कन्वर्ट होता है, शेप के ऊपर फॉन्ट नहीं लगते। अच्छा, ये पकड़ ब्लॉट का मैंने इस्तेमाल आपको बता दिया, अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहो तो ये रिमूव यहां से आप कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू डिलीट, यहां से मॉडिफाई होता है और यहां से डिलीट होता है, ऐसे बिन कर दो, ये खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया टेक्स्ट। अब आ जाओ जी आपकी अगली ऑप्शन पे, स्कल्प क्या करता है, स्कल्प आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो, इस वक्त आपने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट किया हुआ है आउटलाइन में, ये देखो ये स्कल्प हो रहा है, आप अगर इसको यूज करते हो स्कल्प की ऑप्शन को, स्कल्प की तरह आपको यहां पे दिखाता है, जिसका नाम उसी तरह का काम, ये देखो ये देख रहे हो, ये सर्व स्कल्प इफेक्ट्स हैं। और ये डिपेंड करता है, दोबारा से देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका माउस पॉइंटर जो है सेंटर वो आउटसाइड है या इनसाइड है, इस वक्त आउटसाइड है, ठीक है, ये देख रहे हो आउटसाइड है, इसकी शेप को आउटसाइड इस तरह का स्कल्प की वेरिएशन दे देगा। इधर भी देखो, और जो आ गया उसने इसके ऊपर अटेम्प्ट कर देना, अगर डायमीटर आपका ये देखो ये स्कल्प है, तो स्कल्प आप अटेम्प्ट करोगे जहां आप लगाना चाहो अपने आउटसाइड एरिया के ऊपर, और इसको अगर आप किसी शेप के ऊपर कर लो तो शेप में आपको वाज़े तौर पे नजर आएगा कि अगर आपको बाल का ऐसी शेप्स चाहिए होती हैं जिसपे स्कल्प इफेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूं ताकि स्ट्रोक मेरा वाज़े नजर आए, थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा भी देता हूं ताकि स्ट्रोक और क्लियर हो जाए, बाकी फिलिंग इसकी थोड़ी डिफरेंट कर देता हूं तो वाइट के ऊपर आपको समझ नहीं आनी। ये जब आपने कर दिया इसके ऊपर स्कल्प की अटेम्प्ट, ये देखिए ये स्कल्प है, दिस वन इज स्कल्प, डायमीटर बड़ा करना है, डबल क्लिक करके डायमीटर बड़ा कर लीजिएगा, डिफॉल्ट करना है रीसेट कर दीजिएगा, 1 point something होता है, इंटेंसिटी कम ही रखिएगा, अदरवाइज स्कल्प के इफेक्ट बहुत ज्यादा वाजे नजर आएंगे आपको। ये देखो बॉर्डर पे चले जाओ, इस टेक्स्ट को मैं जरा थोड़ा साइड पे कर देता हूँ ताकि स्कल्प इसके ऊपर अटैम्प्ट ना हो, ये देखिएगा
सेलेक्ट कर लेना पहले शेप को जिसके ऊपर स्कल्प लगाना है, ये स्कल्प है। बस इसको ये देखिएगा, इसका जो सेंटर पॉइंट है डायमीटर का वो देखो, जिस तरह वेव्स नहीं होती सरफेस के ऊपर, ये वेवी काइंड ऑफ स्ट्रोक ऑफ कर देता है इसका। बाद आपको अपना इस तरह का स्क्रीन के ऊपर वेव्स शो करनी होती हैं, ठीक है। कोई सरफेस है, सरफेस आपने वेवी काइंड ऑफ कंटेंट के साथ यहाँ पे डेवलप करना होता है, तो ये आपको काइंड ऑफ वेव्स जनरेट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। ये वेव्स आपको दिखा रहा है, तो ये इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो तो एक अच्छी ऑप्शन है स्कल्प की ऑप्शन। और अगर आपकी इसको मैं अगर दूसरे एंगल से करूं, ये तो मैंने आउटसाइड किया ना, अगर आप इनसाइड करोगे तो क्या करेगा। इसके मैंने ऑफ कर दिया, मैं स्ट्रोक मैंने नहीं किया ऑन, स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया है। स्ट्रोक ऑन करना चाहो बाद में भी कर सकते हैं। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेंटर पॉइंट। अगर मैं सेंटर पॉइंट की तरफ इधर इसका मूव करूंगा तो बाहर की तरफ आप इस करके जो है वो स्क्रीन के ऊपर उसकी विजिबिलिटी होगी, लेकिन अंदर की तरफ करूंगा तो ये देखो, ये चेक करो, ये इनसाइड स्कल के इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। और इंटेंसिटी अगर लो करनी है तो आप लो कर लीजिएगा, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। जैसे जैसे मूव करते हो, मैंने क्लिक प्लस ड्रैग किया हुआ है, अगर एक पॉइंट पे स्कल चाहिए ये इधर भी ले आओ, ये लो, सारी साइड्स पे करने हैं, सारी साइड्स के ऊपर भी ले आओ। अगर आउटसाइड रखोगे तो इफेक्ट्स डिफरेंट है, इनसाइड रखोगे तो इफेक्ट्स डिफरेंट है, ठीक है, ये आपने देख लेना है इसको। तो बाद अगर आपको इस तरह का कॉन्टेंट बनाना होता है तो स्कल्प आपको हेल्प आउट करता है। तो कोई भी आपके पास शेप हो, स्कल्प आप इसको अटेम्प्ट करोगे ओवर दी बॉर्डर, देख रहे ये स्कल्प इफेक्ट्स हैं। टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो स्कल्प इफेक्ट, आप टेक्स्ट पे भी दे सकते हो आउटलाइन में कन्वर्ट करने के बाद। फिर इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन थी क्रिस्टलाइज करने की। क्रिस्टलाइज जरा शार्प एजेस होते हैं, इसमें तो थोड़ा सा आपको राउंड राउंड से शेप से नजर आ रही है ना, उसमें शार्प एजेस होते हैं। खासतौर पे आपने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना इसको, या आपने कोई शेप बनाई, फिलिंग द लाइट कलर कर देते हैं, दोनों पे अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। ये जी क्रिस्टलाइज, बाकी इसकी ऑप्शंस वही डबल क्लिक करके अवेलेबल हो जाएंगी, आप इसमें ये सारी ऑप्शंस को टिक करके अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जी दिस इज फ्रीज, दिस इज फ्रीज, ये देखो शार्प शार्प, और ये टेक्स्ट पे भी कर सकते हो ऐसे। टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब इसके ऊपर फ्रीज या क्रिस्टलाइज को लगाता हूं। क्रिस्टलाइज मीन्स कोई काइंड ऑफ क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे, ठीक है, काइंड ऑफ क्रिस्टल्स आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी नजर आएगी। साइज जरा छोटा कर लो क्योंकि ये साइज टेक्स्ट के हिसाब से बहुत बड़ा साइज है, क्रिस्टलाइज के लिए फिर बेहतर है या टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लो या फिर डायमीटर कम कर लो। मैं डायमीटर कम कर लेता हूँ, 0.5 कर लेते हैं। डायमीटर बड़ा था ना इसलिए बहुत अजीब से इफेक्ट्स नजर आएंगे। आप इसको चूंकि इसकी एफ है या कोई भी टेक्स्ट है इसकी दो साइड्स होती हैं, तो लाजमी बात है फिर आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे नजर नहीं आते। तो ये मैं यहाँ पे क्रिस्टलाइज किया है, अपने टेक्स्ट के ऊपर आप क्रिस्टलाइज इफेक्ट्स दिखा सकते हो। क्रिस्टल नहीं होते, काइंड ऑफ क्रिस्टल कॉन्टेंट आप इसमें इस तरह इसको कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा या इसकी इंटेंसिटी कम कर दीजिएगा, इंटेंसिटी भी हाई है, 50% इज हाई, ठीक है,
ये क्रिस्टल इफेक्ट्स आपके आउटलाइन के ऊपर आपको दिखाई देंगे। तो बाल का आपको इस तरह के इफेक्ट से अपने कंटेंट को रेडी करना पड़ सकता है। और वेरी नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इज रिंकल। नाम से जाहिर है रिंकल नहीं होते, जिस तरह ये रिंकल्स जनरेट कर देता है आपके सरफेस के ऊपर। रिंकल्स कंटेंट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो रिंकल आपको यहाँ पे अलाउ करता है कि कोई भी आपके पास कोई शेप है इस पर अगर आपको रिंकल्स ऑन करने हैं, ये रिंकल्स है लास्ट ऑप्शन रिंकल। ये ले जी बिल्कुल माइनर सी आपको यहाँ पे सरफेस के अंदर रफनेस नजर आएगी, ये रिंकल्स है। ये देख रहे ये रिंकल्स बनाते हैं। जैसे तो बड़ी ये आपकी स्ट्रेट और स्मूथ सरफेस होती है, लेकिन बाद होकर आपको इस पे कंटेंट में रिंकल्स यहाँ पे जनरेट करने हो तो ये आपको स्ट्रोक के अराउंड आपने मूवमेंट करनी है तो ये रिंकल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करना है तो आप इसको इंटेंसिटी हाई कर दो, और डायमीटर बढ़ाना है आप डायमीटर भी बढ़ा सकते हो, और अपना कॉन्टेंट इसके इनसाइड रखना है वो भी रख सकते हो, और इसके पाथ के ऊपर फिट करना है वो भी कर सकते हो। याद होगा मैंने आपको करवाया था ये ऑप्शन एरिया टाइप टू, इसको यूज कर लेना। ठीक है जी, ये कंटेंट आपका उसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है तो बेहतर है जब कभी आप ये अटेम्प्ट करो ना इसकी सेम डुप्लीकेट बना लिया करो, ऐसे ये बना लिया करो, बनाने के बाद फिर आप एरिया टाइप टूल को इस्तेमाल कर लिया करो ऐसे। जब ये हो जाए इसको इस प्लेस के ऊपर आप फिट ऑन कर दिया करो। ये देखो बाल का आपने पेजेस देखे होंगे बुक्स के अंदर जिसमें इस तरह का कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हो विद दिस शेप। ठीक है, तो ये रिंकल्स के साथ आपका एक स्क्वायर को या रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, और अगर आपको ये शेप भी चाहिए तो ये आप इसकी डुप्लीकेट बना के उसको आप रिंकल्स वाले इफेक्ट्स उस पर लगा के एरिया टाइप टूल के साथ उसके साथ उसको इस्तेमाल कर लिया करो। बाद आपको कंटेंट पेज के ऊपर इस तरह रिक्वायर्ड होता है जिसमें रिंकल्स क्रिस्टलाइज और स्कल्प इन ऑप्शंस को अटेम्प्ट करके आप इस पर यूज़ करना चाह रहे हो। तो ये है जी आज के आपके वो टूल्स विड्थ वॉप ट्विरल पकर ब्लॉट स्कल्प क्रिस्टलाइज एंड रिंकल। तो बाद आपको पेजेस इस तरह के कंटेंट के साथ रिक्वायर्ड हो तो ये ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हो। ये देखें जैसे ये आपके पास कुछ इस तरह के पेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट आपके साथ ऐसे पड़ा नजर आए आपको। दोनों को ग्रुप बना लिया करो बेहतर हो जाएगा ताकि मूव करते वक्त आपको मसला ना हो, ये ना एक पार्ट इधर रह जाए एक कहीं और चला जाए, ग्रुप बना लिया करो। ये कुछ फ्रेम्स नजर आ रहे हैं जिसमें रिंकल्स के साथ आप अपने इसके राउंड भी टेक्स्ट पुट कर सकते हो, ऑन ए पाथ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, ऑन ए पाथ भी एक दफा करके देख लेते हैं अगर आपके पास कोई शेप है। डिफॉल्ट कर लें इसको, इसकी कॉपी कर लेते हैं उसके ऊपर टेक्स्ट रख लेते हैं। लिया इसके ऊपर रिंकल्स क्रिस्टलाइज और स्कल्प जो भी अटेम्प्ट करना है आप कर लीजिएगा। इसके आउटसाइड टेक्स्ट को इनसाइड तो पुट हो जाता है, ये लो देख रहे हो थोड़ा रफनेस है बिकॉज ऑफ द पाथ, क्योंकि पाथ को मैंने रिंकल्स के थ्रू रफनेस क्रिएट की थी।
ठीक है जी। तो ये काइंड ऑफ रिंकल कंटेंट है जो बात के ऊपर आपने इसको सेट किया। अगर आप इसमें कोई फोटो फिट करना चाहो वो फोटो फ्रेम भी लगा सकते हो, जैसे ये इसको अगर आप फोटो के साथ लोड करना चाह रहे हो फोटो भी कर सकते हो। इनसाइड आप आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस ऑप्शन नेम इज, चलें क्रिस्टलाइज कर लेते हैं इस बार, इसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका डायमीटर बढ़ा लेते हैं, डिफॉल्ट बल्कि कर लेते हैं। ये लें, सेलेक्ट कर लो पहले, क्रिस्टलाइज इफेक्ट्स लगा देते हैं, ये लो। ये लो। और इसमें भी आप कंटेंट भी लगाना चाहो तो कोई मसला नहीं, आप लेयर पैनल में जाओ और अपना इस शेप के नीचे आपको बताया अपने आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करके उसको भी दिखा सकते हो। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि आपने सिंपल प्लेन पाथ के ऊपर ही या प्लेन सर्कल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर आपने काम करना हो, आप वैसे भी इसको कैप्चर कर सकते हो इनसाइड दिस। ये लो जी, इसको आप जस्ट फिट ऑन कर लो, सिलेक्ट करके प्लेसमेंट इसकी सही कर लो। ये लो, देख तो ये शेप बनाई थी आपने रिंकल्स के साथ, क्रिस्टलाइज के साथ, स्कल्प के साथ और अदर ऑप्शन के साथ, तो बहुत अच्छे तरीके से उस कंटेंट को आप यहाँ पे पुट करके दिखा सकते हो। ओवर दी सरफेस करना वो भी कर सकते हो, टाइप वाले पाथ भी कर सकते हो, एरिया टाइप टूल भी यूज कर सकते हो, इसके साथ आपका ये चलेगा, ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट तो आपको पता ही कैसे आता है, बाद आपको अपने पेजेस इस तरह के रिक्वायर्ड होते हैं तो ये आप इसको एज ए सिंपल टूल के तौर पे ना लेना, बल्कि इसको डिजाइनिंग के लिए आप अपने शेप के ऊपर अटेम्प्ट करके उसके अंदर कैप्चर भी कर सकते हो, उसके अंदर भी टेक्स्ट पुट कर सकते हो, उसके ऊपर भी टाइप होने पाथ भी कर सकते हो। ले जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो आज की, अभी मैंने अफेक्ट्स आपको करवाने शुरू किए, मैं चाह रहा था अभी चूंकि मैंने एक ऑप्शन डिस्कस किया आपके साथ डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, क्यों ना आपको ये सारी ऑप्शन करवा दी जाए, सारी की सारी। फ्री डिस्टॉर्ट, पकड़ एंड प्लॉट तो मैंने कर ही लिया, रफनेस, ट्रांसफॉर्म, ट्वीक, ट्विस्ट एंड जिगजैग, ये सारे इफेक्ट्स हैं। ये अगर आपको जरूरत पड़े आप इलस्ट्रेटर के अंदर अपने आर्टबोर्ड पे अटेम्प्ट करके अच्छा सा डिजाइन अपना रेडी कर सकते हो। ये करते हैं, इन इफेक्ट्स को चेक कर लेते हैं तो ये इफेक्ट्स आपको किस तरह हेल्प करेंगे। बाद आपको ये छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी होती हैं लेकिन बाद बाद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आपको उसे का कंटेंट अगर इस तरह का रिक्वायर्ड हो जाए। डिस्टॉर्शन कर लें पहले, ये देखिएगा एक सिंपल सी आपने लाइन यहां पे अटेम्प्ट की, वेट बढ़ा देते हैं अगर आप देखना चाह रहे हो और इफेक्ट्स लगाते हैं। इफेक्ट्स मैंने आपको फिर आपको कहूंगा अपीयरेंस पैनल के थ्रू लगाना, अपीयरेंस पैनल ऑन कर लिया करो, डायरेक्ट कभी ना जाओ, ठीक है। अब ये शेप है, एक सिंपल सी लाइन है, इस पे इफेक्ट्स में जा रहा हूं और इफेक्ट्स के इनसाइड जाने के लिए अपीयरेंस पैनल का यूज कर रहा हूं। ये है जी इफेक्ट्स, एड न्यू इफेक्ट और इफेक्ट का नाम है, ये मैंने आपको करवा दिया, पकड़ एंड प्लॉट तो मैंने आपको बता दिया, जिग जैग देख लेते हैं सबसे पहले, जिग जैग ये लो, वो देखो क्या हुआ, ये जिग जैग इफेक्ट्स हैं। आप अपनी उस शेप को देख रहे हो जो सिंगल स्ट्रेट लाइन थी उसके ऊपर कितना आपको रिक्वायर्ड है साइज, ये देखो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, वो देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कितनी आपने हाइट देनी है उसकी और इसमें कितने रिजेस रिजेस हैं। मैं जरा कैंसिल करके दूसरे साइड पे करता हूं, ये देखो अब आपको वाजे नजर आएगा, इफेक्ट में गया, इफेक्ट में जाके वो बैकग्राउंड में देखो आपकी शेप के ऊपर क्या हो रहा है। ये जी इसके साइज, साइज यहां से आप इसका हाइट को कंट्रोल कर लेना, रिजेस को यहां से कर लेना, इस वक्त कितने हैं चार, ये देख रहे हो 1 2 3 4 चार हैं रिजेस, रिजिस मतलब लो हाई चार है, पांच कर दूं छह कर दूं
सात आठ नौ दस ग्यारह पंद्रह बीस, ये लो ये 20 मैंने इसके रिजेस ऑन कर दिए। ये रिजेस यहां से आप ज्यादा कम कर सकते हो, जितनी ज्यादा वेव चाहिए आप इसको इफेक्ट्स के थ्रू कंट्रोल कर लेना, ठीक है। और अगर आप इसके हाईज एंड लोस को देखो, बड़े शार्प शार्प से हैं, स्मूथ कर दो, यहां से कर लेना, ये स्मूथ हो गया। ये कॉर्नर शार्प चाहिए या स्मूथ चाहिए, ये यहां से आप इसको डिसाइड कर लेना। इसका मतलब है इफेक्ट में साइज, हाई एज लोज को, रिजेस एंड विद कॉर्नर्स या शार्प, सॉरी स्मूथ या शार्प, ये यहां से कर लीजिएगा। और ये इफेक्ट है स्टूडेंट, ये इफेक्ट्स हैं। और इफेक्ट्स अगर आपको कल को नहीं भी चाहिए आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। इसकी कॉपीज चाहिए आप कॉपीज इस तरह जनरेट कर लेना। इसके अंदर फिलिंग मैंने नहीं की हुई, फिलिंग अगर करोगे फिलिंग भी आएगी, ये देखो ये फिलिंग है, फिलिंग को मैंने नन किया हुआ है, ठीक है। इस शेप को अगर आपको कॉपीज चाहिए वो मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी कॉपीज आप इजीली यहां से सेलेक्ट करके इसकी कॉपीज ले सकते हो। और एक चीज याद रखना, जो आपकी शेप होती है ना, अपेयरेंस पैनल इफेक्ट्स होते हैं, तो इफेक्ट्स को अगर आपने परमानेंट करना हो तो ऑब्जेक्ट पैनल में जाके आपने एक्सपैंड अपीयरेंस कर देनी है। ये लो ये एक्सपैंड अपीयरेंस हो गई, देख रहे हो आपकी लाइन खत्म हो गई, अब लाइन नहीं रही, जो फिजिकल शेप नजर आ रही थी वो एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो गई है एक्सपैंड करने से। एक्सपैंड मैंने यहां से अभी आपको करके दिखाया, एक्सपैंड अपीयरेंस कर देना। वरना अच्छा ये देखिएगा, एक्सपैंड अपीयरेंस से पहले अगर आप देखो दरमियान में एक ब्लू लाइन नजर आ रही होगी, स्टिल आपको एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि ये एक लाइन थी जिसको इफेक्ट्स के थ्रू आपने रिजेस दे के उसके हाई लोस दे के आपने सेट किया है। जब तक आप इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आप एक्सपैंड अपीयरेंस नहीं करोगे, ये लाइन अभी लाइन ही है। एक्सपैंड अपीयरेंस करते ही अब एक चीज आपने नोट की कि ये अगर मैं आपको कहूं इसके रिजेस को कम कर दो बढ़ा दो, ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। एक्सपैंड करने से पहले आज तक आप कर सकते थे, एक्सपैंड एक दफा कर दिया ना ये परमानेंट हो गई आपकी वेव, ये परमानेंट हो चुकी है। अंडू करता हूं, देखो बिफोर एक्सपैंड गौर करो स्टूडेंट, जिगजैग इफेक्ट्स यहां पे नजर आ रहे हैं अपीयरेंस पैनल में ना, ये देख रहे हो जिगजैग यहां पे नजर आ रहा है। एक्सपैंड करते के बाद ये नजर नहीं आएगा, परमानेंट हो जाएगा। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये अब मैंने इसको मजीद चेंजेस नहीं करनी, तो मैं कहूंगा एक्सपैंड कर दो। लेकिन आप कहते हो सर नहीं, ये 20 इसकी फ्रीक्वेंसी 20 नजर आ रही है, इसको मैंने 10 करना है, मैं कहूंगा इफेक्ट्स को परमानेंट ना करना, एक्सपेंड ना करना। आप आज कल 100 दिनों के बाद भी अगर आप यहां पे आओगे अपीयरेंस पैनल में जाओ, यहां में मॉडिफाई करो यहां से ऐसे, ये देख रहे हो और देखो हो रहे हैं पीछे, ये देखो सब कुछ हो रहा है अभी तक अवेलेबल है। लेकिन अगर स्टूडेंट आपने एक दफा इसको कर दिया एक्सपैंड अपीयरेंस, ये चेंजेस जो अभी तक आप एडिट कर सकते थे इस पाथ में अब नहीं हो, बस ये ख्याल कर लेना। जब आपने फाइनलाइज कर दिया ना एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड तब तक नहीं करना जब तक फाइनलाइज ना हो जाए। अब ये फाइनलाइज हो गया है, ये लो इसकी कॉपीज बना लेते हैं, देख रहे हो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर मैंने उसको रिपीट कर दिया। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर कैप्चर करना विद इन शेप, वो याद है ना आपको दो तीन चीजें करवाई हुई, क्रॉप भी करवाया हुआ है, क्लिपिंग मास्क भी करवाया हुआ है, ठीक है ना, उससे आप कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए इसको सर्कल में इनक्लोज कर दो, बंद कर दो, ये स्टार में कर दो या पॉलीगॉन में कर दो, यू नीड टू ड्रॉ फर्स्ट लाइक दिस, ये आप कर लेना, या स्टार में कैप्चर कर लेता हूँ, ये स्टार बनाया मैंने, ठीक है। स्टार का ये स्टार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दोबारा से देखो स्टार में सिंपल सा बनाता हूं, ये स्टार बनाया, ये स्टार है, ठीक है। स्टार की डिफॉल्ट कर देता हूं, डिफॉल्ट करने के बाद स्टार को मैं पुट कर देता हूं ओवर दिस जिगजैग, ठीक है। और अब मुझे बताओ शेप जो क्लिप किया जाता है शेप अबव होती है बिलो होती है, ऊपर होती है, ठीक ठीक है ना, फिर
अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक जगह पे है, सबको सिलेक्ट कर लो। और ग्रिपिंग मास ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके हो गया ना, तो इस तरह आप zigzag आपको एक अलाउ करता है कि कभी आपको अपने ऑब्जेक्ट को, अच्छा इसका मतलब zigzag जो है वो अपने टेक्स्ट को भी तो किया जा सकता है, zigzag zigzag effects on text, शेप कोई भी हो जाए, अभी मैंने लाइन भी लगाया, आप ट्राइंगल ले लो, आप पॉलीगॉन ले लो, zigzag उस पर भी लगेगा, आपने इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना है, और zigzag effects अगेन अपीयरेंस पैनल, अपीयरेंस पैनल से किया करो, यहां से नहीं जाना आपने, ठीक है, मौजूद है यहां से भी कर सकते हो, यहां से नहीं करना क्योंकि एक दफा तो हो जाएगा, जब दोबारा उसको आपने अगर मॉडिफाई करना है तो ये डबल इफेक्ट्स लग जाएंगे, पिछले भी लगा रहेगा तो दोबारा भी लग जाएगा, तो बेहतर है पहली बार हो आखिरी आदत ही ना बनाओ यहां पर जाने की, इफेक्ट मेन्यू में जाने की कोई जरूरत नहीं आज के बाद, ठीक है, इफेक्ट मेन्यू के जितनी भी ऑप्शन है वो अपीयरेंस पैनल से आपने करनी है सेट, यहां से वही मेन्यू है ना सेम, वो देखो zigzag effects कम कर दो इसको, ये लो और कम कर दो, ये लो, ये देखो ये zigzag effects आपको यहां पे नजर आ रहे हैं विद जीरो ridges पर सेगमेंट, वन करके देखो, हाई लोज यहां से कंट्रोल कर लेना, ये देख रहे हो किस तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो चेंजेस आ रही हैं, बाद में आपको और स्मूथ करने हैं, ये स्मूथ कर लो, ओके करो, ये चेक करो, ये zigzag के इफेक्ट्स के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर जो कि शेप बन चुकी है उस पर लग गए, अब अपने कंटेंट टेक्स्ट के ऊपर भी zigzag लगा सकते हो, अब अपनी शेप्स के ऊपर भी zigzag लगा सकते हो, ये आपके पास एक zigzag इसके ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑलवेज गो विद अपीयरेंस पैनल, अपीयरेंस पैनल में एफएक्स और यहां से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ये zigzag, वो देख रहे हो कितनी जबरदस्त किस्म का शेप सर्कल की बन गई, जिसमें आप रिजेस लगा सकते हो, जितने आप इसकी हाई लोज को कंट्रोल कर सकती है, देखो इसके इनसाइड आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, इसके ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके इनसाइड भी लिख सकते हो, और रिजेस को यहां से कंट्रोल करना, ये देखो कितना एक वेरिएशन नजर आ रही है, एक्चुअली ये है क्या, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपने इफेक्ट्स कौन से लगाए, zigzag के, यहां से इसको कंट्रोल कर लेना, हाइट्स को यहां से कंट्रोल कर लेना, zigzag के जितने आपने ज्यादा इसमें इफेक्ट्स डालने वो यहां से डाल देना, स्मूथ करना है स्मूथ कर देना, बाल गला को स्मूथ चाहिए होती है, ये स्मूथ कर देना, ये लो कम करता हूं ताकि आपको दिखाई दे, और इसको थोड़ा रेस करता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ये देख रहे हो ये आपके पास स्मूथ एजेस हैं, ये कॉर्नर्स हैं, ये शार्प हो गए, ये स्मूथ हो गए, ये शार्प ये स्मूथ, रिजेस यहां से बढ़ा देना जितने भी आप बढ़ाना चाहो, कम करना है कम कर देना, ये देखो कितना खूबसूरत सा आपके पास एक शेप बन गई, एक्चुअली ये एक सर्कल है, अपीयरेंस सॉरी इफेक्ट्स लगाए हैं आपने zigzag के, ठीक है, अब इसके इनसाइड आप टेक्स्ट रखना चाहो टेक्स्ट रख दो, इसके ऊपर टेक्स्ट रखना चाहो इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर सिर्फ लेबल आपने प्रिंट करवाना है, बिग बिग सेल या कुछ भी देना है इसके ऊपर दे दो, वो तो वैसे भी टाइप कर सकते हैं ऐसे, ये लो ये लो टाइप कर दिया, ठीक है, दिखाई इसलिए नहीं दे रहा ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो दिखाई देगा नहीं, इसका वाइट करो या उसको लाइट करो, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा, ये लो टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं, अगेन सेल, जो भी देना है कलर वलर आप इसका दे सकते हो, इसका मतलब अगर आपने वैसे लिखना हो वैसे भी लिख सकते हो, अगर इसके इनसाइड लिखना है इनसाइड भी लिख सकते हो, उसके लिए आपने एरिया टाइप टूल यूज करना है, ओवर करना है टाइप होने पात करना है, बस ये ख्याल करना है। और इसको एक दफा एक्सपैंड कर लेना, अंडू करता हूं,
एक्सपैंड कर लेना, ठीक है, ताकि परमानेंट हो जाए ना, अभी तो जस्ट इफेक्ट है, इसको परमानेंट यहां से करना है। लो जी जनाब हो गया, इसको आप अनग्रुप भी कर सकते हो, ये अब आपकी शेप है। अच्छा स्ट्रोक तो मैंने लगाया ही नहीं, स्ट्रोक होता तो स्ट्रोक भी दिखाई देता, इसका स्ट्रोक नहीं लगाया था मैंने, अंडू करता हूं, चले इसका स्ट्रोक भी लगाते हैं, ये आपकी शेप, स्ट्रोक लगा लेते हैं, रेड कलर का स्ट्रोक लगाते हैं, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये लो चेक करो, अनग्रुप कर लो, ये देखो ये अलग है और ये शेप जिगजैग वाली अटेम्प्ट जो आपने किया ये अलग है। क्या इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा, इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है ना, आप कर सकते हो ना, ये आप कर लीजिएगा। बाकी ये आप तमाम के तमाम जितने भी आपके पास ये शेप्स हैं सब पे आप जिगजैग इफेक्ट्स को साथ, और जिगजैग जब लग जाए परमानेंट अगर आपको करना है, आपने उसमें कोई चेंज नहीं करना, तो एक्सपैंड करना है, उससे पहले एक्सपैंड नहीं करना। एक्सपैंड करने के बाद आपके पास चांस नहीं है, ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब रिजेस कम करने हैं, बढ़ाने हैं, उसकी सारी चीजें ये आप नहीं कर सकते। अच्छा स्टूडेंट्स अब जो रह गई चीजें वो भी देख लेते हैं। ये आपने शेप बनाई, शेप बनाने के बाद नेक्स्ट इसका अटेम्प्ट करते हैं जी जनाब, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है, इफेक्ट्स में डिस्टॉर्ट में ट्विस्ट कर दो, एक है जिगजैग इक्वल ट्विस्ट, ट्विस्ट ये कर रहा है, चेक करो जितनी डिग्री कहोगे उतने डिग्री के ऊपर आपको ट्विस्ट उसमें नजर आएगा शेप में, ये ट्विस्टिंग है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं अब आपको उसको किसी और एंगल से किसी और ऑप्शन के ऊपर अटेम्प्ट करके दिखाता हूं, लाइक आई वॉन्ट टू ट्विस्ट माई टेक्स्ट, आई वॉन्ट टू ट्विस्ट माई टेक्स्ट, ट्विस्टिंग होगी अगर आप करना चाहो, जैसे टेक्स्ट है ये, ट्विस्टिंग इफेक्ट्स लगाते हैं, इफेक्ट आपके लगते हैं यहां से, या आपको मैंने बोला अपीयरेंस पैनल में जाओ, अपीयरेंस पैनल में जाके यहां से लगाओ ट्विस्ट इफेक्ट्स, चेक करो ट्विस्ट हुआ, एक काइंड ऑफ वेव सी नजर आ रही है ऐसे, ये ट्विस्ट है, इसको 10 डिग्री ट्विस्ट है, मजीद करो घुमा देगा, ये ट्विस्टिंग हो रही है। अब आपकी मर्जी है इसको कितना ट्विस्ट करना है, वापस भी कर सकते हो, ये ट्विस्टिंग है, माइनस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, ये ट्विस्टिंग है, और ये आप अपने इन शेप्स को भी कर सकते हो, लाइक स्टार है, ट्विस्ट करूं इसको, चलो अब पॉजिटिव साइड पे जाना है या नेगेटिव, ये आपकी मर्जी है, बाद में आप अपनी शेप्स को ट्विस्ट करके दिखाना चाह रहे हो, ये देखो जितना एंगल आप कहोगे उतना एंगल ट्विस्ट उस पर नजर आ रही, प्रीव्यू बस ऑन रखना, ठीक है, ये ट्विस्टिंग आपको यहाँ पे इस तरह शेप्स के ऊपर वापो करके दिखा रहा है, एक सिंपल सा आपके पास स्टार ट्विस्टिंग है ये, और ये ट्विस्टिंग जो है ये परमानेंट अगर आप इसमें रिक्वायर्ड है तो एक्सपेंड कर दो, लेकिन अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो इस ऑप्शन पे ट्विस्ट पे दोबारा क्लिक कर दो, और करने के बाद इसको डिफरेंट एंगल देना चाहो ये दे सकते हो। टेक्स्ट की ट्विस्टिंग करनी हो, शेप्स की ट्विस्टिंग करनी हो, यहां से आप कर लीजिएगा, ये ट्विस्टिंग हो रही है, जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो जैसी भी शेप चाहिए आप इसको कर सकते हो। अगर आप इसके फाइनल कर दिया है तो एक्सपैंड कर लेना इसको, अपीयरेंस एक्सपैंड अपीयरेंस के बाद इसको चाहे आप कंटेनर के तौर पे यूज कर लो, चाहे पाथ के ऊपर यूज कर लो, चाहे इसके अंदर टेक्स्ट को आप प्लेस कर दो, ये आपकी मर्जी है इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ठीक है, इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन तीनों शेप्स के अंदर आप अपने टेक्स्ट को भी रख सकते हो, ओवर द पाथ भी रख सकते हो, इनसाइड द पाथ भी रख सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। ट्विस्ट, ट्विस्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन शेप कोई भी बना लेते हैं,
अपीयरेंस पैनल में जाओ, अगली ऑप्शन को टेस्ट कर लेते हैं। डिस्टॉर्ट में अगली ऑप्शन है जी रफनेस। रफनेस नाम से जाहिर, रफन करेगा ये। आमतौर पे आपने एडमिशन ओपन का बॉक्स देखा होगा, रफन होता है सरफेस उसका। अब वो यहां से आप करते हो, ये देखो मजीद रफ हो गया, स्मूथ करो, वेरी वेरी क्लोज टू नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। इसको यहां से आपने जितना रफ करना हो, डिटेल लेनी हो, ये देखो मजीद उसके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई रफनेस की। और इसके एजेस जो है वो शार्प है, स्मूथ कर दो, इसका आपको रिजल्ट नजर आएगा। ये देखो ये स्मूथ एजेस हो गए, वरना ये शार्प थे। और इसको अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर करना चाहो रफनेस, वहां पे भी कर सकते हो, शेप्स भी कर सकते हो। और बड़ी अच्छी लगती है ये ऑप्शन जब आपने कोई इस तरह के आपके पेजेस जहां पे आपको रिक्वायर्ड हो लाइक दिस टेक्स्ट, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सिटी है, उसका कोई बैनर है, लोगो शोगो लगा हुआ है, आपने इसके ऊपर देना है एक काइंड ऑफ कंटेंट जिसमें रफनेस दिखानी है। रफनेस मैं इसकी एक काम करता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको रफनेस वाजे तौर पे नज़र आए। और ये इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स में चले जाइएगा, यहाँ से आपने डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन करनी है रफनेस। तो देखो बहुत ज़्यादा हो गई है, डिटेल काम कर दो और कम कर दो और कम कर दो और कम कर दो, ठीक है, बिल्कुल ही फ्लैट हो गया ये। फिर ये साइज है, साइज बड़ा कर रहा है, इतना भी नहीं करना, ठीक है। और ये एजेस इसके कॉर्नर्स शार्प है, स्मूथ यहां से और ये चीज आप अपने टेक्स्ट पे भी कर सकते हो रफनेस एडमिशन ओपन, सारे के सारे ये इफेक्ट्स मौजूद हैं। इफेक्ट्स आपको ये एक वे देता है जिसके थ्रू आपका टेक्स्ट जो है वो इंटैक्ट रहता है, ओरिजिनल टेक्स्ट खराब नहीं होता। सिर्फ इफेक्ट्स लगते हैं, अगर अच्छे नहीं लगे खत्म कर दो, परमानेंट थोड़ी हमने करना है। परमानेंट अगर आपने वो कर दिया ना एक्सपैंड, फिर परमानेंट होगा, उससे पहले पहले आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखो ये देखो, ये टेक्स्ट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, डिटेल काम करके देखना है, डिटेल काम करके देख लो, स्मूथ करना है स्मूथ करके देख लो, ये स्मूथ एजेस हैं। और ये ओके करने के बाद अगर आपको कल को पसंद ना भी आए, मसला कोई नहीं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पर जाके इसको क्लिक करो और ये डिलीट, बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर चेंजेस करनी है फिर यहाँ से मुझे समझ आ गई होगी आपको। तो आपको अगर जरूरत पड़े तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को फाइनलाइज आप कर सकते हो, जो भी आपके पास यहाँ पे कंटेंट। समझ आ रही है, आसान सी ऑप्शन है ये, आपको अलाउ करने की कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को अपनी जरूरत के मुताबिक आप रेडी कर सकते हैं।